गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू सादा स्टडीज क्लासेस। तो बच्चों, आज का जो क्लास है वो टेंस का है और टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल के बारे में। तो चलिए, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल क्या होता है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो अगर आप शुरू से अगर टेंस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सादा स्टडीज क्लासेस पे जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और वहाँ जितने जो टेंस के वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है सादा स्टडीज क्लासेस साइट पे, उसे आप शुरू से देख लें, क्योंकि आज का जो क्लास है उसे आप अच्छा से अंडरस्टैंड कर पाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल क्या है। तो ये मैंने लिखा है सिंपल पास्ट टेंस और ये इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, ठीक है। यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। पहले क्या लगाना है, डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, वर्ब वन लगाना है और ये ऑब्जेक्ट को लिख देना है और बाकी हमारा सेंटेंस जो बनके तैयार हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। इससे पहले मैंने पढ़ाया था सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव रूल, सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव रूल, उसके बाद इंट्रोगेटिव, और अभी जो प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है बच्चों, जिसके अंत में क्या होता है, या, यी, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, तो उस तरह के सेंटेंसेस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रूल है, इस पर के कुछ सेंटेंसेस को लिख लेते हैं और उस सेंटेंस को कैसे हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव रूल को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिखना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। चलिए सेंटेंस को लिखते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव के कुछ सेंटेंसेस को लिख लिया है। जो सेंटेंसेस प्रकार है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? सही में आप नहीं किए हैं तो अभी जाकर क्या कर ले, सादा स्टडी क्लासेस यूट्यूब पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वे लोग पटना नहीं गए? और थर्ड सेंटेंस है क्या, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ी? तो चलिए, इस सेंटेंसेस को इस रूल पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट में चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? ठीक है, किए है रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, ये तो सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या पहले लिखना है, डिड। क्या लिखना है बच्चों, डिड। उसके बाद डिड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, आपका यू। उसके बाद नॉट, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं किए। डिड यू नॉट, डिड यू नॉट, अब यहां पे क्या होगा, सब्सक्राइब, यानी कि काम क्या है, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब, 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 सब्स, एस यू बी, सब्स, C-R-I-B-E-D, subscribed, अब वहां पे मेरे को, यानी कि मेरे चैनल को, subscribed my channel, channel, ठीक है, ठीक। फिर मैंने सेकेंड सेंटेंस लिया है, क्या वे लोग पटना नहीं गए, क्या वे लोग पटना नहीं गए, तो क्या लिखेंगे, did they not, अब यहां पे क्या होगा, go to, कहां, पटना, did they not go to पटना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ी, तो क्या होगा, डिड सब्जेक्ट में राधा, उसके बाद क्या है, नॉट, और उसके बाद क्या है, भर क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा बच्चों, रीड, और यहां पे हो जाएगा अंग्रेजी। बहुत इजी है। तो ये रहा बच्चों सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल और उसका सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। तो आज का क्लास हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा हो।